हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में ही विराजमान रहते हैं, इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ इसकी छाया में बैठकर भोजन करना भी बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में अक्षय आंवला नवमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2024 को सुबह 6:40 से लेकर दोपहर 12:05 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 5 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 पर, जबकि नवमी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर। इस साल 2024 में अक्षय आंवला नवमी 10 नवंबर के दिन यानी रविवार को मनाई जाएगी। अक्षय आंवला नवमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद स्वच्छ मन से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद आंवले के पेड़ की धूप दीप इत्यादि जलाकर पूजा करें और फिर आंवले के वृक्ष की जड़ों में दूध चढ़ाएं। इसके बाद आंवले की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और पेड़ के नीचे बैठकर ही अक्षय नवमी की कथा सुनें या फिर पढ़ें। इसके बाद आंवले की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती भी करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन आदि बनाकर किसी गरीब को भोजन कराएं और स्वयं भी वहीं बैठकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे का दान जरूर करें क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और किसी भी आंवले के पेड़ के पास जाकर उस स्थान पर साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाना चाहिए और पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों ओर रुई लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए और अंत में आंवले के पेड़ की आरती उतारें और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही वास होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आंवले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन थोड़ी देर तक आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य बैठना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन भी अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन अपने पूरे परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन पकाना और खाना चाहिए। आंवला नवमी के दिन पूरे परिवार सहित ऐसी जगह पर अवश्य जाना चाहिए जहां पर आंवले का वृक्ष लगा हो। आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान करना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान अवश्य करें। आंवला नवमी के दिन हो सके तो किसी निर्धन व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराएं और हो सके तो आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण को दान अवश्य दें क्योंकि इस दिन का दान अक्षय होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। आंवला नवमी के दिन तुलसी के पौधे को आंवला अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा।